हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट कुकिंग बाय भावना। आज ऑल अबाउट कुकिंग में हम सीखेंगे फलूदा कस्टर्ड, ये देखिए, विद ठंडाई फ्लेवर। इंस्टेंट रेसिपी है, वन पॉट में बनने वाली है एंड बहुत ही इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप दूध। ये हमारा जो बनेगा कस्टर्ड फलूदा, बहुत इंस्टेंट बनेगा। इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून वर्मिसली। ये मैंने रोस्टेड वर्मिसली ली है। अगर आपके पास रोस्टेड वर्मिसली नहीं है तो आप पहले उसे विदाउट ऑयल, विदाउट घी उसे आप रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद इसके अंदर डालिए। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून सब्जा सीड्स। इंस्टेंट बनेगा, एक ही पॉट में बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा ये। देन हमारा जाएगा 1 टेबल स्पून ठंडाई पाउडर। अगर आपके पास ठंडाई पाउडर नहीं है तो आप इसमें जो लिक्विड हमारे पास ठंडाई आती है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। किसी भी फ्लेवर का आप कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। इसको हम मैं थोड़ी देर कुक करूँगी, इसे हम गाढ़ा करेंगे। अगर आपको लगे कि दूध कम है तो आप दूध थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारी वर्मिसली कुक नहीं हो जाती। इंस्टेंट हमारी वर्मिसली कस्टर्ड बनता है, बहुत टेस्टी एंड यमी। विद इन 5 मिनट रेसिपी है ये। जस्ट हमारी वर्मिसली कुक होनी चाहिए, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी वर्मिसली कुक हो गई है और हमारे सब्जा भी, हमारी जो है सब्जा भी कुक हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी पिस्ता और थोड़ा सा केसर, क्योंकि हमने ठंडाई पाउडर डाला है इसीलिए केसर और पिस्ता का टेस्ट बहुत ही यमी जाता है। मैं गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। हमें इस तरीके से थोड़ा सा पतला रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हमें इसे रूम टेम्परेचर पे करना है। अभी तक हमने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। मैं इसे थोड़ा सा ठंडा करूंगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसमें लिया है पाउडर शुगर। आप नॉर्मल शुगर भी, मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि शुगर भी इसके अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा पतला होगा। मैं इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी।